तेजस्वी यादव नवीं फेल, ये लोग हम लोग को सिखाएगा कि राजनीति कैसा होता है। जुनू के प्यार में लैला ने नहीं झुका, उतना तेजस्वी ने पूर्णिया के बाजार में झुक गया। का बारहवीं फेल बा, छोटका नौवीं फेल बा, बाप खटल जेल बा, माई अंगूठा ठेल बा, यही सब कहानी हमको सिखाते हैं। पूर्णिया लोकसभा में है का सबसे बड़ा हॉट सीट बना हुआ है यहाँ, और पप्पू यादव के समर्थन में लोग जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, जहाँ जाइए वहाँ पप्पू यादव का नाम ले रहे हैं, और सारे नेता जो है इसी लोकसभा सीट पर उनका नजर बना हो, किसी प्रकार से जो है पप्पू यादव को यहाँ से नहीं जीतने देंगे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, उनकी बहन हो, चाहे लालू परिवार हो, चाहे बीजेपी के जितने लोग हो, चाहे एनडीए के जितने लोग हो, सारे लोगों का नजर जो है इसी सीट पे पड़ा है कि अगर पप्पू यादव जीत जाते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। आइए इन कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे तेजस्वी यादव के लोग। लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि पप्पू यादव के समर्थक हल्ला हम पे हमला भी किए हैं। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया के साथ। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जो लोग कह रहे हैं और पप्पू यादव जी के समर्थकों पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग हंगामा किए हैं, आपको सच्चाई और अच्छाई पता होना चाहिए कि वो खुद पटना से आकर के पूर्णिया में माहौल को खराब कर रहे हैं। ये लोग यहाँ के जनता को, यहाँ के युवाओं को भड़का रहे हैं, यहाँ के जनता को चिढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव, आज तेजस्वी यादव नवीं फेल, ये लोग हम लोग को सिखाएगा कि राजनीति कैसा होता है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव में वोट कैसे दिया जाता है, है? तो ये लोग टिकट कटवा देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ, कभी कहते हैं चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो अपना बहन वहाँ चुनाव लड़ रही है सारण में, पटना पाटलिपुत्र लोकसभा में, तो वो अपना सीट पहले बचाए ना, यहाँ कहे हारे हुए जिसका जमानत जब्त हो जाएगा, जिसको 50,000 वोट नहीं आएगा, ऐसे लोगों को ये लोग बढ़ा रहे हैं। भाई जितना एक कहावत है पत्रकार महोदय, आपको मालूम होना चाहिए, जितना लैला के मजनू के प्यार में लैला ने नहीं झुका, उतना तेजस्वी ने पूर्णिया के बाजार में झुक गया। भाई नेता प्रतिपक्ष हो, बिहार के भविष्य हो, अपने आप को कहते हो, तो आज क्यों एकमात्र नेता, एकमात्र आवाज पप्पू यादव जी के भय के कारण, पप्पू यादव जी के डर के कारण आपने पूरा टीम, पूरा विधायक, पूरा सांसद, पूरा कैबिनेट का जितना भी पूर्व मंत्री है सबको पप्पू यादव जी को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए ये लोग आप यहाँ पे ला दिए हैं। भाई क्या चीज का डर है? ये इसलिए डर है क्योंकि तेजस्वी यादव चाहता है कि बिहार का कोई भी मुसलमान, बिहार का कोई भी यादव, वो दिल्ली में हमारे खिलाफ आगे नहीं बढ़ सके, वो हमारे खिलाफ कोई नहीं डाल सके, वो बीजेपी से नहीं लड़ सके, क्योंकि ये लोगों में हिम्मत और हैसियत और औकात नहीं है कि फिरका परस्त पार्टियों से लड़ाई लड़ सके। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि पप्पू यादव एजेंट है, एजेंट। देखिए पत्रकार महोदय, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, समाज का आईना है। दो दिन पहले को कटिहार जिला के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कोढ़ा में जो तेजस्वी यादव का मंच रैली हुई थी, वहाँ पे मंच से सार्वजनिक तौर पर तेजस्वी ने क्या बयान दिया, अगर आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती को वोट नहीं देते हो तो आप एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे सकते हो। इससे आप बताइए ना कि ये लोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये डर है, ये भय है, ये तेजस्वी यादव की बहन तो यहाँ तक बोल दी मीसा भारती कि दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, किसी को वोट, किसका बात करते हैं? वो 10 साल से राज्यसभा में सांसद है मीसा भारती, जो लगातार राम कृपाल यादव के खिलाफ बुरी तरीके से चुनाव हारती है, वो 10 साल से राज्यसभा में सांसद है। क्या एक भी उसका वीडियो क्लिप दिखा दीजिए हमको जो सदन में बिहार के लिए, सीमांचल के लिए, पूर्णिया के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए आवाज उठाया हो? नहीं, क्योंकि इनके मुंह में बोली नहीं है, क्योंकि ये लोग बोलते नहीं है, ये लोग हमेशा से चुप्पी साधे रहते हैं, ये लोग डरपोक है, ये लोग अत्याचारी है, ये लोग भ्रष्टाचारी है। एक कहावत हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बड़का नौवीं फेल बा, छोटका बड़का बारहवीं फेल बा, छोटका नौवीं फेल बा, बाप खटल जेल बा, माई अंगूठा ठेल बा, यही सब कहानी हमको सिखाते हैं, हमको कहानी सिखाते हैं।
ऐसे लोगों को अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री और भविष्य बनेंगे, हम कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते उनके सामने पटना के गांधी मैदान हो या पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में उनके सामने खुले मंच से साझा करना चाहता हूं और डिबेट करना चाहता हूं। अगर वो हमसे आगे बढ़ गए बिहार के मुद्दे को लेकर, बिहार के किसानों को मुद्दे को लेकर, बिहार के यहाँ के जनता के मुद्दे को लेकर के, तो उस दिन मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूँगा, नहीं तो उनको राजनीतिक से संन्यास लेना पड़ेगा। 30 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कह रहे हैं, 15 अगस्त के दिन जो है 15-30 लाख लोगों को रोजगार। क्या तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बन रहे कि 15 लाख दे देंगे? वादा तो किया अपने मैनिफेस्टो में, वादा वो कह रहे, वो उन्होंने कहा था कि हम पूरे बिहार में जाति जनगणना कराएंगे और जिसकी जितने हिस्सेदारी होगी उसका उतना अधिकार मिलेगा। महाराज मुकेश सहनी जी को 3 गो सीट देखिए, बिहार में मुसलमानों की संख्या 17% से अधिक है और बिहार में मल्लाहों की संख्या और सहनी की संख्या 2-3% है। उनको 3 सीट दे दिया गया लेकिन बिहार के मुसलमानों की जो सबसे ज़्यादा आबादी है उनको मात्र 2 सीट दिया गया है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि बिहार में लालू परिवार और तेजस्वी यादव सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं और ये लोग सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ ये लोग मुसलमान को अपमान करते हैं, मुसलमान का वोट लेकर के उनको बदनाम करते हैं और ये लोग यादव को, मुसलमान को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इन्होंने ये सिवान में मरहूम शहाबुद्दीन साहब जिन्होंने अपना पूरी जिंदगी राष्ट्रीय जनता दल में बिता दिया, आज देखिए उनके परिवारों के साथ किस तरह के सलूक किया जा रहा है। आज पूर्णिया में हमारे सेवक, हम सब के नेता और आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के टिकट को कटवा करके उन्होंने बिहार के और सीमांचल के और पूर्णिया के लोगों के साथ पीठ में खंजर भोंकने के साथ अपमान करने का काम किया। आज देखिए अररिया में भाई से भाई को लड़वा रहा है, ये लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद करने के लिए और उनको मजबूत करने के लिए अपने चुने हुए दूसरे दल से बुला करके, जबरदस्ती ला करके कमजोर उम्मीदवार को बीजेपी के सामने खड़ा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं CBI, ED, इनकम टैक्स का डर है। इनको मालूम हो गया था पहले कि अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार कर सकता है और झारखंड के मुख्यमंत्री को जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकता है, ये हमको भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए ये लोग CBI, ED के डर से, इनको लोकसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तेजस्वी को, इनको सिर्फ सत्ता की भूख लगी है। इनको इस बार हम लोग सत्ता नहीं सौंपेंगे बल्कि सत्ता से जो भी सीट बचा है पूर्णिया में बदलाव होगा। पूर्णिया में बदलाव होने वाला है, पूर्णिया में परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि पूर्णिया में हम सब की आवाज़, किसानों की आवाज़, युवाओं की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, दलितों की आवाज़ और छात्रों की आवाज़, एकमात्र नेता पप्पू यादव जी आने वाले हैं और वो सदन जाने वाले हैं। चलिए।